4.3 क्वेश्चन नंबर 10 करेंगे अभी हम। फाइंड एन इक्वेशन ऑफ लाइन। इक्वेशन ऑफ लाइन हमने निकालनी है, हमें एक पॉइंट दिया गया और साथ स्लोप दी गई है, ठीक है। एक पॉइंट और एक स्लोप दी गई है, ठीक है। पॉइंट है ए और स्लोप है 7, ठीक है। अगर हमें एक पॉइंट दिया गया हो और एक स्लोप दी गई हो तो हम पॉइंट स्लोप फॉर्म यूज़ करेंगे इसके लिए, ठीक है। पॉइंट स्लोप फॉर्म क्या होती है? यूजिंग पॉइंट स्लोप फॉर्म y माइनस y1 इंटू स्लोप x माइनस x1, ये है हमारी पॉइंट स्लोप फॉर्म इक्वेशन फाइंड करने के लिए। y1 ये पॉइंट है हमारा, स्लोप है 7, x माइनस, अब यहाँ भी माइनस है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 6, ठीक है। अब इसको मज़ीद सिंप्लीफाई कर लेते हैं, y माइनस 5, 7x, 7 6 आर 42। तरतीब लगा लें, 7x, ये y इधर आ जाएगा और 42 को इस तरफ ले जाएं, तो सीधा कर लें, 7x माइनस y इक्वल टू आ जाएगा माइनस 47, ये उठा के इस तरफ लें और प्लस भी कर दें साथ ही, ठीक है। हमें एक पॉइंट दिया गया है, एक स्लोप दी गई है, ये है पॉइंट स्लोप फॉर्म, वाई माइनस वन स्लोप एम जार की जाती है और एक्स माइनस एक्स वन, ये एक्स वन का पॉइंट और ये वाई वन का, यहाँ दर्ज की है और आगे तो बच्चों वाला खेल है। जो दूसरा पार्ट है उसमें हमें इक्वेशन निकालनी है, अब एक पॉइंट है और स्लोप 0 है, ठीक है। एक पॉइंट है और दूसरी है स्लोप बराबर 0, तो अगर स्लोप 0 हो तो ये एक हॉरिजॉन्टल लाइन होती है, स्लोप 0 हो तो हॉरिजॉन्टल लाइन। इसका डायरेक्ट जवाब जो है ना वो आप ऐसे लिख सकते हो कि सिर्फ जो वाई वाला पॉइंट है वो ले लें, ठीक है। तो ये इसका जवाब है। अगर पॉइंट स्लोप फॉर्म यूज़ करनी है तो फिर देखें, वाई माइनस वाई वन इंटू स्लोप एक्स माइनस एक्स वन, तो वाई वन माइनस 3 है तो ये हो जाएगा प्लस 3, स्लोप 0 होने की वजह से ये सारा 0 हो जाएगा, तो प्लस 3 इक्वल टू माइनस 3। तो डायरेक्ट याद रख लें, एमसीक्यूज में भी आ सकता है, अगर स्लोप 0 हो तो इक्वेशन क्या होती है? वाई वाली पॉइंट, ठीक है। आगे सी है, सी में भी पॉइंट है और साथ स्लोप कहा गया है कि जो स्लोप है वो अनडिफाइंड है। अगर अनडिफाइंड स्लोप हो तो हमने एक्स वाली वैल्यू लेनी होती है, ठीक है, क्योंकि वो एक वर्टिकल लाइन होती है, ठीक है। अगर स्लोप अनडिफाइन हो तो वर्टिकल लाइन जवाब आएगा और उसमें हमने एक्स वाली वैल्यू लेनी होती है, ठीक है। ये आपने याद रखना है एमसीक्यूज के लिए भी। उसके बाद डी वाला पार्ट है, दो पॉइंट्स दिए गए हैं, दो पॉइंट्स दिए गए हों तो टू पॉइंट फॉर्म, वरना दोनों को यूज़ करके स्लोप भी निकाली जा सकती है, पॉइंट स्लोप फॉर्म भी यूज़ कर सकते हैं, दोनों तरह से हो सकता है, ठीक है। अगर मैं टू पॉइंट फॉर्म यूज़ करूं तो y माइनस y1 इक्वल टू y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1 और ये x माइनस x1, इस तरह भी कर सकते हैं, जैसे मैंने बताया कि पहले स्लोप निकाल लें फिर इसमें दर्ज कर लें, वैसे कर लें। एक तरीका ये भी है कि ये टू
यहाँ ऐसे भी कर सकते हैं एक्स वन वाई वन इस तरह निकाल के, और इसको डिटर्मिनेंट ओपन करके भी निकाल सकते हैं। तीनों मेथड से किया जा सकता है। वाई माइनस वाई वन क्या है पहले का, तो माइनस माइनस प्लस थ्री हो जाएगा। वाई टू है माइनस वन, माइनस वाई वन ये प्लस थ्री हो जाएगा, और एक्स टू है नाइन, एक्स वन माइनस है माइनस माइनस प्लस फाइव, और इधर एक्स माइनस एक्स वन क्या है माइनस माइनस, ठीक है ना। ये एक्स वन ये वाई वन ये एक्स टू और ये वाई टू, तो वाई प्लस थ्री ये ऊपर आ जाएगा टू, नीचे आ जाएगा फोर्टीन, और ये एक्स प्लस फाइव। फोर्टीन को उधर जाकर मल्टीप्लाई कर देंगे, फोर्टीन वाई प्लस फोर्टीन थ्री दा फोर्टी टू, और ये आ गया टू एक्स प्लस टेन। टू एक्स ये वाई वाली इधर आके माइनस हो जाएगी, और ये टेन इधर आके माइनस हो जाएगा, तो ये आ जाएगा थर्टी टू, और ये आ गया टू एक्स माइनस फोर्टीन वाई। तो इस तरह ये सवाल हमने हल कर लिया, ठीक है। तो अगर मैं देखूँ कौन सा है डी पार्ट, माइनस फाइव माइनस थ्री आंसर गलत आ रहा है, क्यों गलत आ रहा है दोबारा देखते हैं। वाई माइनस वाई वन ये प्लस थ्री, ठीक है। वाई टू है माइनस वन, माइनस वाई वन है प्लस थ्री। एक्स टू है नाइन, माइनस एक्स वन प्लस फाइव आ गया। एक्स माइनस एक्स वन ये है फाइव, वाई प्लस थ्री फोर्टीन, टू आ गया टू एक्स टू फाइव ज़ा टेन, अगर हम दूसरा मेथड लगा के देखते हैं फिर देखते हैं आंसर में कोई फ़र्क पड़ता है कि नहीं। हाँ यहाँ से तो कॉमन आ रहा है तो कॉमन ले सकते हैं ना, टू कॉमन ले लें तो बाकी आ जाएगा टू माइनस सेवन वाई इक्वल टू थर्टी टू। एक्स माइनस सेवन वाई टू इधर आके डिवाइड कर दें तो ये आ जाएगा सिक्सटीन, ठीक है। तो ये हमारा बुक वाला आंसर आ गया। उसके बाद है जी ई वाला, वाई इंटरसेप्ट माइनस सेवन और स्लोप इक्वल टू माइनस फाइव। अच्छा जब वाई इंटरसेप्ट होना, वाई इंटरसेप्ट तो उसमें एक्स वाली वैल्यू ज़ीरो होती है और ये स्लोप दी हुई है, पॉइंट स्लोप फॉर्म यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। वाई माइनस वाई वन क्या है सेवन, स्लोप माइनस फाइव, एक्स माइनस एक्स वन वो क्या ज़ीरो है, वाई प्लस सेवन तो ये माइनस फाइव एक्स आ जाएगा, उठा के इधर ले आए प्लस वाई सेवन उधर ले जाएँ तो ये जवाब आ गया, ठीक है। तो इसको हम ऐसे, इसके अलावा स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म भी यूज़ की जा सकती है, ठीक है। स्लोप ये नया पॉइंट देख लें, इस तरह कर लें चाहे इस तरह कर लें, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। अगर वाई इंटरसेप्ट दिया और स्लोप दियो तो जो वाई में है ना वो होती है सी की वैल्यू, और स्लोप तो हमें पता है एम को कहते हैं। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होती है, वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। एम क्या है माइनस पाँच, एक्स और सी क्या है माइनस सेवन, तो इसको इधर लाएंगे तो प्लस हो जाएगा, ठीक है। ऐसे दोनों तरह से इसको किया, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म भी सीख लेना यहाँ पर, और ये तो हमें पहले ही पता है किस तरह करना है, ठीक है। वाई इंटरसेप्ट दिया हो तब एक्स इंटरसेप्ट इस तरह नहीं होगा, वो इस तरह ही होगा, ठीक है। इसलिए मैंने ये दोनों आपको करवा दिए कि आप परेशान ना हो। फिर ई के बाद एफ है, एक्स इंटरसेप्ट, एक्स इंटरसेप्ट है माइनस थ्री
और वाई इंटरसेप्ट 4। अब दोनों इंटरसेप्ट हैं, ठीक है। तो जो टू इंटरसेप्ट फॉर्म है वो हम यूज़ करेंगे, टू इंटरसेप्ट फॉर्म क्या है, एक्स ओवर ए वाई ओवर बी इक्वल टू 1, ठीक है। तो जो एक्स इंटरसेप्ट है वो ए की वैल्यू देगा और जो वाई इंटरसेप्ट है वो बी की वैल्यू देगा हमें। तो एक्स ओवर ए है -3, वाई ओवर बी क्या है 4 है। देसी एलसीएम कर ले, नीचे 12 आ गया, 4 उधर चला गया और 3 उधर चला गया, देसी एलसीएम। ये 12 उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 12 × 1 = 12 हो गया, ठीक है। इस तरह ये क्वेश्चन भी हमने हल कर लिया। टू इंटरसेप्ट फॉर्म, ये सारी फॉर्म्स याद कर लें, समझ लें अच्छे से। इसके बाद है जी इसका जी वाला पार्ट, एक्स इंटरसेप्ट 9 है और स्लोप है -4। तो एक्स इंटरसेप्ट हो ना तो उसमें ये तो आ गया ना 9, वाई 0 होता है। एक्स इंटरसेप्ट में वाई 0 होता है तो स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म यूज़ करेंगे, पॉइंट स्लोप फॉर्म आ जाएगी, वाई माइनस वाई 1 स्लोप एक्स माइनस एक्स 1। वाई 1 है 0, स्लोप है -4, एक्स माइनस एक्स 1 भी माइनस है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये आ गया वाई -4x -4 × 36। -4x इधर आके प्लस हो गया और ये y पहले इधर है, इक्वल टू -36। एक्स इंटरसेप्ट में y 0 रख लेना, ये पॉइंट, ये स्लोप, पॉइंट स्लोप फॉर्म यूज़ करेंगे और आगे तो आप कर ही सकते हैं, ठीक है।